नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? जैसा आप देख सकते हैं, मेरे पीछे है मेरा स्टूडियो डेस्क और ये मेरे पास कम से कम 5 या 6 सालों से है और ये मैंने अपने हिसाब से ही बनवाया था। तो सब मुझे इसका कलर अच्छा लगता था, टाइम के साथ साथ कलर्स भी चेंज होते रहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसका भी थोड़ा कलर चेंज किया जाए। हाँ, मैं इसे पेंट नहीं करूँगा ना मैं इस पर माइका चढ़वाऊँगा। तो एक सॉल्यूशन है, एक थोड़ा सा सस्ता पड़ता है जो कि स्टिकर्स आते हैं, तो वही मैं इस पर करना चाह रहा हूँ। उसका प्लस पॉइंट ये होता है, जैसे अगर ये इस पर नहीं चढ़े, अच्छा नहीं लगे, तो उसको उतार दिया जाता है, तो उससे इसको जो पहले का माइका है उस पर कोई नुकसान नहीं होता है। तो मैं चढ़ा के देखता हूँ कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगा तो उतार देंगे और बाकी ठीक लगा तो उसको लगे रहने देंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये सारा सामान इसको हटा के थोड़ा सा साइड में शिफ्ट करना होगा ताकि इजीली काम हो सके। तो ये रहे वो स्टिकर्स जो मैंने मिलते हैं, 3 मंगाए, 3 रोल 2-2 फिट के आते हैं और 6x2 फिट के आते हैं आई थिंक। तो पहले अच्छे से मैं साफ करूँगा, साफ करने के बाद मैं इसको तरीके से इस पर चढ़ाऊँगा, देखते हैं कैसे चढ़ता है। अभी फ़िलहाल मैंने टेस्ट करने के लिए ना ये इतना लगाया है, मतलब फिनिशिंग देखो बढ़िया आई है। थोड़े ज़्यादा एरिया में लगा के देखता हूँ कि कैसा लगेगा, पहले यहाँ पर लगाऊँगा। वैसे काटने के लिए इधर इन पे निशान लगे हुए हैं, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये किस हिसाब से इन्होंने दिए हुए, क्योंकि अगर ये 1-1 फुट में देते तो ज़्यादा सही रहता है। ये अपनी 19.5 इंची के हिसाब से इन्होंने कट दिए, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं। बट हाँ ये है कि मतलब काटोगे तो सीधा और ऐसे बिल्कुल कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं कटेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ जो लॉक है इसको निकाला जाएगा, फिर इसके ऊपर अच्छे से फिनिशिंग से चढ़ा पाएंगे और ये हैंडल भी निकाल के लगाया जाएगा दोबारा। बिना हैंडल निकाले बिल्कुल फिनिशिंग नहीं दे पाएंगे। अरे भाई ये क्या हो गया, जब मैं अगले दिन आया तो मैंने देखा इस पर तो सारे बल्ब आ गए। तो हमने सोचा कोई नहीं, इसको दोबारा उतारा जाए। उतारने के बाद एक टेक्निक होती है, उससे चढ़ाया जाए, हम पानी में शैम्पू डाल के हमने उसका सॉल्यूशन बना के इस पर स्प्रे करने के बाद अच्छे से दोबारा कार्ड की मदद से एकदम प्रॉपर सारे बबल्स निकाल के इसको दोबारा चढ़ाया गया। बाबू हमारी हेल्प करा रही है, तब मीन हाँ। वैसे ना इसमें प्रॉब्लम है, जो इसके एजेस ना कटिंग करने के बाद वो निकल सकते हैं, तो क्या करेंगे हम इसमें सेलो टेप लगा सकते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से बंद हो जाए। तो फाइनली टेबल अपनी हो चुकी है कंप्लीट, जैसा कि आप देख सकते हैं इसे एकदम बढ़िया फिनिशिंग आई है। बाकी आगे मैं इसका प्रॉपर सिनेमेटिक वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें आप देख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको।
मेरा स्टूडियो टेबल मेक ओवर का एक छोटा सा वीडियो। आप बताएं कैसा लगा आपको, और आप भी अपने घर पर करना चाहते हैं तो बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन इसमें आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये सस्ता तो आता है, लेकिन ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग मुझे नहीं लगा। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि तो क्या है ना, इसको लगाएंगे तो पूरा पॉलीथीन का होता है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग इसलिए नहीं है कि जैसे इसमें जैसे आपने कुछ ब्लेड रख दिया हो या सीजर रख दिया, कुछ रख दिया तो वहाँ से अगर बिल्कुल भी शार्प कुछ चीज़ रख दी तो वहाँ से फट सकता है। एक साइड से अगर ये फटना चालू हुआ तो ये पूरा फटता रह जाएगा। तो इसमें चाहे टेप लगाओ कुछ लगाओ, लेकिन ये बाद में बहुत गंदा लगेगा। बाकी आप बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, जय हिंद।